हमारे बीच कवि ब्रह्मचारिणी आश्रम कोटियाडीह से सुशीला साहब पधारी हैं। सुश्री सुशीला साहब, आप बहुत बुजुर्ग हैं, पुरानी हैं, आपके संरक्षण में मैं नहीं जानता हूँ 30-40 साधवियाँ जितनी भी होंगी रहती होंगी, संख्या में नहीं जानता, लेकिन जब जाता हूँ बहुत रहती हैं और आप सबका को संरक्षण देती हैं और स्वयं साधना परायणा है, हमारे बीच उपस्थित हैं। एक कुछ विचार आपसे हम सुनना चाहते हैं, आप हम सबको लाभान्वित करें। साधवी सुशीला साहेब, बोध दाता सकल दुख कीशम, नमो मुक्त जीवन परख पद अधीशम। परम पूज्य श्री साहेब जी, ज्ञान वैराग्य संपन्न संत श्री गुरुभूषण साहेब जी, मुद्ध मंगलमय संत समाज एवं साध्वी समाज, धर्म प्रेमी आत्मी बंधुओं, भक्तिमती माताओं एवं बहनों, हेलो। एक मिनट सर, बस थोड़ा सा, आप लोगों में से कई लोगों को देखा हूँ इधर महिलाओं से के बीचों बीच निकल के जाते आते हैं। मेरा एक निवेदन है हार्दिक, आप लोगों को निकलना भी हो तो इधर से जाएं, या फिर पीछे रास्ते कहीं से भी जाएं, लेकिन क्या होता है पुरुष लोग भी बीचों बीच महिलाओं को चीरते हुए निकल जाते हैं और आते हैं, अच्छा नहीं लगता ना, क्यों आते हैं आप लोग? कोई बात नहीं, अब से सही, इस भर से आपको जाना हो तो अपना स्वयं रास्ता अलग बनाइए, उधर से बीचों बीच आप क्रॉस करते हुए न जाएं। ये मैंने निवेदन किया, शायद मेरा निवेदन पर आप लोग ध्यान रखेंगे, ये भरोसा करता हूँ। हमारे साथी भोला जी, ब्रह्मचारी भोला, जहाँ कहीं भी हों जरा यहाँ आ जाएं। सर क्षमा करें, आप बोलें। हमें अपने जीवन को सफल बनाने के लिए, जैसे अभी सत्संग में तो आ ही रहे हैं, सत्संग एक माध्यम होता है, सत्संग एक दर्पण होता है। जैसे हम अपने बाहरी चेहरे को देखने के लिए दर्पण को देखते हैं और अपने चेहरे को ठीक करते हैं, इसी प्रकार से यह सत्संग भी एक दर्पण है और इस दर्पण में हम अपने अंदर को देखें, अपने अंदर को झांकें, क्योंकि आदमी बहुत सत्संग सुनता है परंतु जहां का तहां क्यों रहता है। इसके लिए भी बातें बताई जाती है कि हमारे जीवन में सत्संग का महत्व तभी हो सकता है हम अपने जीवन को अपने जीवन में निखार लाएं। इसके लिए बताया जाता है कि सबसे पहले सेवा, दूसरा श्रद्धाय, तीसरा संयम, चौथा साधना। सेवा के लिए हमारे संतों ने बहुत सुंदर बातें बताई हैं कि सबसे पहले सेवा अपने घर से प्रारंभ करो। अपने घर में जो बड़े बुजुर्ग माता पिता हैं उनकी सेवा करो, सास ससुर हैं उनकी सेवा करो, और दीन दुखी आपके घर में आ जाते हैं तो उसकी भी सेवा, अपने घर में जो भी वस्तुएं हो के दुर्गुण दोष नहीं जाते। इसके लिए कहा जाता है कि आप दिन भर जो भी काम किए रहते हैं, जब बिस्तर पर जाते हैं तो बिस्तर में जा करके आप दिन भर के अपने क्रियाकलाप को सोचिए, देखिए, ये भी सोचिए कि मैं किसी के लिए राग द्वेष तो नहीं किया, किसी के लिए उनकी मान मर्यादा भंग नहीं किया, कोई पद प्रतिष्ठा के लिए दूसरे को दुख तो नहीं दिया,
इस प्रकार से आप अपने दिन भर के क्रियाकलाप को देखिए। और सुबह जब उठते हैं तो बिस्तर पर बैठ करके ही ये सोचिए कि आज मैं अपने तन से मन से वचन से किसी को दुख नहीं दूंगा, किसी के प्रति राग द्वेष नहीं करूंगा, अपने बुराइयों को देखूंगा और उसको निकालने का मैं प्रयत्न करूंगा। इस प्रकार से आप रोज करिए तो देखिएगा आपका जीवन में परिवर्तन जरूर होगा। हम सत्संग तो सुनते हैं, रोज संत महात्मा हमको बताते हैं कि बीड़ी मत पियो, तंबाकू मत खाओ, सिगरेट मत पियो, क्योंकि उससे कैंसर होता है। और हम सत्संग में बात तो सुन लेते हैं परंतु उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न नहीं करते हैं, तो इस कारण हमारे जीवन में परिवर्तन नहीं होता है। इसलिए कहा गया है कि स्वाध्याय करिए, अपने अंदर को देखिए, अपने अंदर को झांकिए, और जब तक हम अपने अंदर में प्रवेश नहीं करेंगे तब तक हमारे विकार शांत नहीं होगा। तो इसकी महती आवश्यकता है हम अपने स्वभाव को देखें और अपने दुर्गुणों को निकालें और अपने अंदर में सद्गुण है उसको ग्रहण करें। विनम्रता, समता, सेवा, ये सब करने का हम प्रयास करें। दूसरा स्वाध्याय है सद्ग्रंथ का अध्ययन। हमारे पास में समय तो बहुत होता है परंतु हम समय का सदुपयोग नहीं कर पाते। हम निश्चय नहीं कर पाते कि हमको सद्ग्रंथ पढ़ना है। हम सबको ये निश्चय करना है कि कम से कम हमको एक पत्ता तो पढ़ना है। हमारे पास समय नहीं है तो एक पत्ता ही पढ़ें, क्योंकि संतों की वाणी, संतों की रहनी, ये सब सद्ग्रंथों में भरा हुआ है। उसको हम पढ़ते रहेंगे तो हमारे मन में शांति आएगी, तभी हमारा जीवन सफल हो सकता है। तो मैं ये कह रही थी कि आप अपने जीवन को सफल बनाने के लिए सतग्रंथ पढ़िए, समय को टाले मत। समय की बहुत बड़ी कीमत है। आप अपने जीवन में धन तो कमा सकते हैं परंतु उस धन से बीते हुए समय को आप वापस नहीं ला सकते हैं। इसलिए समय का महत्व समझ करके हमें सद्ग्रंथ पढ़ने की जरूरत है। तीसरा है संयम। संयम की तो बहुत बड़ी मांग है। आप लोग देखे भी होंगे कि बापू के तीन बंदर, एक बंदर है अपने आंख को ढांका है, दूसरा बंदर है अपने कान को ढांका है, तीसरा बंदर है अपने मुख को ढांका है। ये क्या है? कहते हैं कि बाहर के दृश्य को अपने आंखों से देख करके किसी की वस्तु पर गलत दृष्टि मत करो, किसी की बहु बेटियों पर कुदृष्टि मत करो। और फिर दूसरा कहते हैं कि कान को ढके हैं तो किसी की, कान का ढकने का यही मतलब है कि कान से किसी की बुराई मत सुनो। सुनना है अच्छी बातें सुनो, संत महात्माओं की वाणी सुनो, सज्जनों की वाणी सुनो, जिससे हमारा मन पवित्र हो। तीसरा बंदर का उदाहरण देते हैं कि तीसरा बंदर अपने मुख को ढांके हैं। मुख को ढांकने का मतलब है कि गंदी जवान मत बोलो, किसी की निंदाचारी मत करो। बोलना है प्रिय वचन बोलो, प्रिय के साथ हितकर वचन बोलो, कटु वचन मत बोलो, असत्य वचन मत बोलो, क्योंकि संतों ने ही यही बातें हमको समझाई है। तो ये बापू के इशारे,
इस प्रकार से है। सदगुरु श्री अभिलाष साहेब जी हमको क्या बताए हैं कि खाने में संयम, सोने में संयम, देखने में संयम, विचारने में संयम, क्योंकि संयम की बहुत ही आवश्यकता है। अगर संयम नहीं करेंगे तो हमारा जीवन सफल नहीं हो सकता है, इसलिए संयम की महती आवश्यकता है। कठ उपनिषद में एक बात आई है कि ये शरीर को रथ बताया गया है और इस रथ में 10 घोड़े जुटे गए हैं और सारथी भी बताया गया है, क्योंकि घोड़े को चलाने के लिए सारथी की जरूरत है। और फिर कहते हैं कि घोड़े को नियंत्रण करने के लिए संयम की लगाम बताए हैं। तो हमारे मन और इंद्रियां, इंद्रियां 10 है तो वो 10 घोड़े हैं, इनको विवेक विचार से संयम करना है और इसमें बुद्धि सारथी है। हमारी बुद्धि सही है तो सही दिशा में जाएगी, अगर हमारी बुद्धि गलत है तो फिर वो रथ गलत दिशा में चली जाएगी। तो इसीलिए तो पांचों विषयों से अपने मन के वेगों को रोक करके और अपने आत्मा की ओर हमें लौटना है। तो कहने का तात्पर्य है कि इस रथ में आत्मा रूपी रथी बैठा हुआ है, तो बुद्धि हमारी सारथी है और मन संयम की लगाम और इंद्रियां हैं वो 10 घोड़े। इस प्रकार से जो अपने मन और इंद्री को कंट्रोल करता है वास्तव में वो आत्मा रूपी रथी को जानता है और अपने आप को नियंत्रण रखता है। और वही व्यक्ति स्वाध्याय करते हुए और ध्यान में वो प्रवेश कर सकता है, क्योंकि जिसकी इंद्रियां जितना बहिर्गत रहेगा वो जल्दी से अपने आत्मा में केंद्रित नहीं हो सकता, इसलिए हमें संयम की जरूरत है। और साधना का मतलब यही होता है कि जिसको हम गलत समझें उसको हम छोड़ दें, और गलत को हम छोड़ने की प्रयास नहीं करेंगे तो हम साधना पथ में आगे नहीं बढ़ेंगे, चाहे गृहस्थी हो चाहे व्यक्ति हो। जहाँ जिनकी जैसी मर्यादा है उनके अनुसार अपने मन और इंद्रियों को कंट्रोल करना है, तभी हमारा जीवन है वो सफल हो सकता है। तो इस प्रकार से हमारे जीवन में सत्संग, सेवा, स्वाध्याय, संयम और साधना, इनकी जरूरत है। और इन्हीं के लिए सत्संग का आयोजन किया जाता है और संत महात्मा इसी के लिए हमें प्रेरणाएं देती हैं। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। बोलिए सद्गुरु कबीर ब्रह्मचारिणी आश्रम कोटियाडी छत्तीसगढ़ से हम सबकी पधारी हुई सुशीला साहब, आपके बहुत सुंदर विचार, सार गर्भित विचार अभी हम लोग सुन रहे हैं।